शिट यार, मम्मी की बात मान लेनी चाहिए था मुझे। अरे दोस्तों यार, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम में हो गया यार। मम्मी ने बताया था, मैंने माना नहीं बात। उसी पे आपको कहानी भी सुना देता हूँ दोस्तों। तो एक बार की बात है कि एक चिड़िया थी दोस्तों। नहीं, मैंने सीखा, मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, पापा की बात नहीं मानी, मैं थोड़े प्रॉब्लम में आ गया, इसलिए मैंने सोचा इस आप पे आपको एक कहानी भी सुनाऊँ कि एक बार की बात है दोस्तों कि एक चिड़िया थी, है ना। तो जो चिड़िया थी, उस विंटर आ रहा था दोस्तों, है ना, रशिया में रहती थी ये चिड़िया, और चिड़िया का परिवार रशिया में रहता था, और विंटर्स आ रहे थे दोस्तों, विंटर वाज जस्ट अबाउट टू कम। एंड जो चिड़िया के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है दैट आप चलिए, अभी यहाँ पे तो विंटर आ रहा है, चलिए भारत की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी समर हो जाएगा, तो वहाँ पे विंटर खत्म हो रहा है और समर आ रहा है, और यहाँ पे समर खत्म हो रहा है और विंटर आ रहा है, और यहाँ पे तो सबको पता है कि रशिया में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। सो प्लीज डू वन थिंग, लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स इंडिया, सो विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, विल बी वेरी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट यू बट एवरीबॉडी। सो चलो। और जो ये जो इन्होंने ये जो ये चिड़िया थी, चिड़िया का जो मतलब ये जो बच्ची थी, इसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, प्लीज यार मम्मी प्लीज, हर बार यार तुम यार यहाँ चलो तो वहाँ चलो, कभी यहाँ चलो अर्जेंटीना चलो, तो कभी अफ्रीका चलो, कभी भारत चलो, यार तीन बार हम लोगों ने ट्रिप कर लिया भारत का, प्लीज। मम्मी ने कहा कि अरे अरे वो भारत भूमि है भाई, वो भूल जाओ कि वहां पे गर्मी होती है, वहां पे भगवान का स्थल है, हम जाते हैं मंदिरों पे बैठते हैं, भगवान की कृपा मिलती है, फिर यहाँ आते हैं, चलो 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 चलो। नहीं 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 मैं नहीं नहीं मैंने मैं बहुत बैठ गई अब स्थलों पे यार, अब मुझे मम्मी अब आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, मैं सुबह मैं 6 साल की हो गई हूँ, क्या मजाक चल रहा है क्या, हर बार तुम मुझे इंडिपेंडेंट रहना, आई वॉन्ट स्टे इंडिपेंडेंट, मैं अपने अपनी खुद की बॉस हूँ, मैं अपने खुद की फेवरेट हूँ। नहीं चलो यार, यहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी बेटा, मर सकती हो तुम। नहीं मरूंगी मैं, नहीं मरूंगी मैं, रहूंगी यहीं पे, रहूंगी यहाँ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कड़ाके की ठंड पड़ेगी ना, ना मुझे कोई सांप खाएगा ना कुछ खाएगा, सब बैठे रहेंगे, मैं भी यहीं बैठूंगा, मैं आई पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे देखना यार, मुझे स्नो देखना यार मम्मी, ऐसे नहीं होता यार, वहां पर कुछ नहीं मिलता यार, स्नो हम लोग कभी देख ही नहीं पाते, स्नो नहीं देख पाते बेटा, क्योंकि मर जाए, नहीं मरेंगे, खत्म, ओके ठीक है जो करना है करो, ओके जाओ, कुछ हो गया मुझे, हाँ नहीं मैं नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं यार, मम्मी पापा चाचा चाची डैडा डैडी जितने भी लोग थे उनके उस परिवार के चिड़िया के, सब भारत की तरफ निकले। और ये जो थी ये यहाँ पर रही कुछ दिन, तो आहा क्या बात है, सेल्फी वेल्फी लिया एकदम, वो हो दे विंटर इज ऑन, ये है स्नैपचैट वैपचैट सब पे उसने अपलोड किया। कुछ दिनों बाद सच में बहुत कड़ाके की ठंड हो गई, और इतनी ठंड हो गई दोस्तों, माँ नहीं थी पिता नहीं थे, कि वो जम के गिर गई, और गिर गई और स्नो के अंदर गिर गई, वो एक स्नो के अंदर गिर गई, मतलब अगर वो एक और दिन वहां रहती तो वो मर जाती। अब घूमते फिरते एक गाय जो थी, गौ माता जिन्हें हम कहते हैं, वो जा रही थी, और गौ माता ने देखा कि अरे ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पे गिरी हुई है, और इसमें कैसे हेल्प करूं, उन्होंने उसे चाटना शुरू किया। गौ माता है दोस्तों, गौ हमारी सच में माता होती है, हमें दूध देती हैं, क्या नहीं देती हैं, और खैर हम जो करते हैं गलत ही करते हैं, लेकिन तो चाटना शुरू किया उन्होंने, लिखा ऐसे तो हो नहीं होगा, गोबर कर दिया उस पर। अब आप और मैं बोलूंगा ए हे क्या यार क्या गौ माता आप कह रहे थे, गोबर कर दिया क्यों किया, गौ माता इतनी बेवकूफ नहीं है दोस्तों, गोबर इसलिए किया क्योंकि गोबर की गर्माहट से उसका वो स्नो पिघल जाता और वो बच जाती, और यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ, उन्होंने उन्होंने जानबूझकर इस पे गोबर किया, जिसकी गर्मी से जिसके गर्माहट से दोस्तों आप आश्चर्य रह जाएंगे, अगर आप पढ़ें गौ माता के गोबर से कितनी चीजें बनती हैं, इट्स वेरी गुड बेसिकली। हमारे मैंने देखा है, मैंने अपने समय में देखा है कि हमारे घर में जो दादियां होती थी पहले की, वो गोबर के ही आंगन को साफ किया करती थी गाँव में, और मैं पूछता था कि क्या कर रही हैं आप ये गोबर के, नहीं नहीं अरे, तो कहती थी कि इसमें बहुत एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं और एंटीसेप्टिक्स हैं। तो खैर कहानी आगे बढ़ी, और वो चिड़िया दोस्तों बच गई, वो चिड़िया उठ गई, वो चिड़िया ने कहा वूहू मैं उठ गई मैं बच गई, नहीं तो मैं मर जाती यार, मम्मी बात तो सही कह रही थी, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी दोस्तों, एक छोटी सी गलती कर दी, वो खुदने लगी फानने लगी, स्नैपचैट ए मैं बच गई हु आई सर्वाइव, ये वो पास में एक बिल्ली थी जिसने उसकी आवाज सुनी, जिसने उसका वो सिंगिंग सुना, वो आए अपने दांत से उसे पकड़ा और उसे मार के चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है दोस्तों
पहली बात तो जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी बात हमें सुनने की बहुत आवश्यकता है। मेरी मम्मी मुझे बहुत कुछ समझाती हैं, पापा दादी सब समझाते हैं, पहले मैं नहीं समझता था, अब मैं समझने लगा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हाँ यार ये सही कह रहे हैं। जैसे आपको भी अगर कोई समझाए तो बुजुर्ग समझाए तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि एक्सपीरियंस्ड लोगों की सलाह, एक्सपीरियंस्ड दोस्तों जिन्होंने जिंदगी देखी है। अब इस चिड़िया के माने जरूर अपनी भी माँ की बात सुनी होगी, इन्हें पता होगा कि सिर्फ अगर आप बच जाएं ठंड से तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जो आपको खा सकते हैं, उन्हें भी तो ठंड का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपीरियंस लोग की बात सुनने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। हर वो इंसान, एक बहुत अच्छी कहावत है दोस्तों इंग्लिश में कि नॉट एवरीबडी हु शिट्स ऑन यू इज बैड, नॉट एवरीबडी हु शिट्स ऑन यू इज बैड, दैट मींस कि हर वो इंसान जो जैसे मैंने एक पहले भी कहानी सुनाई थी कि हर वो इंसान जो आपको ना बोले, हर वो इंसान जो आपको कुछ गलत बताए या गलत बोले थोड़े देर के लिए, वो गलत है। हो सकता है कि उसके अभी वो परिस्थितियां नहीं होंगी, हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए बोले। हर वो इंसान जो आपके लिए, जो आपको लगता है आपके लिए बुरा सोच रहा है लेकिन बुरा नहीं सोच रहा है, ये गाय गौ माता ने उस पर शिट किया, हमें आपका लगेगा ओहो यार क्या यार वो, लेकिन क्यों किया, बचाने के लिए, और बच गई दोस्तों। नॉट एवरीबडी हु शिट्स ऑन यू इज बैड। तीसरा 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 Not everybody who takes you out of the shit is your friend. क्या? Not everybody who takes you out of that shit is your friend. हर वो इंसान जो आपको अपने बुरी परिस्थिति से निकाल दे, आपका हमेशा ऐसा हो कि वो दोस्त ही रहे, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। हो सकता है कोई इंसान अपने मन में मैथमेटिक्स करके सोच रहा हो कि अच्छा ये अभी यहाँ फंसा है, कोई बात नहीं, इसे यहाँ से निकालता हूँ वहाँ फंसाता हूँ, यार ये ना सिंपल फंसा है वहाँ ज़्यादा फंसेगा और मुझे फिर। तो नॉट एवरीबडी हु टेक्स यू आउट ऑफ द शिट यू नो इज योर फ्रेंड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी चीज, चौथी सीख इस कहानी से, व्हेन यू आर इन डीप शिट स्टे क्वाइट। हर बार जब आप एक बुरी परिस्थिति में होते हो तो आपको उसका बखान करने की जरूरत नहीं है, या जब आप उससे निकलते हो तो आपको 50 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं निकल गई या मैं निकल गया, क्योंकि क्या पता दोस्तों पास में ही बिल्ली बैठी हो, पास में ही शेर बैठा हो, पास में ही एक सांप बैठा हो जो आए और आपको निगल के ले जाए दोस्तों। तो क्या कहानी है, क्या क्या सीख है मुझे बताइए। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस लोगों की बात हमें मानने की बहुत आवश्यकता है, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है उनकी बात मानना, हाँ बिल्कुल ना नहीं करना चाहिए सोच समझ के। सेकंड चीज, नॉट एवरीबडी हु शिट्स ऑन यू इज बैड, नो नो नो। थर्ड चीज, नॉट एवरीबडी हु टेक्स यू आउट ऑफ दैट शिट इज योर फ्रेंड। हर वो आदमी जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे जरूरी नहीं कि वो आपका दोस्त है। जब आप एक बहुत बड़े परिस्थिति से निकलते हो एक या एक बहुत गंभीर परिस्थिति में रहते हो तो शांत रहने की बड़ी आवश्यकता है और उन पे भरोसा करने की बड़ी आवश्यकता है। तो सोते सोते उन पर भरोसा कीजिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक करिए, मेरा नाम है आदित्य झा, लाइव सिटीज़ को लाइक करिए और देखते रहिए गुड नाइट विद लाइव सिटीज़। थैंक यू वेरी मच, हो सकता है आप लर्न किए हों, कॉमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लगा, धन्यवाद।